लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ एक मंच पर नजर आए। ईदगाह कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दोनों विपक्षी नेता एक साथ लोगों को अभिवादन करते हुए नजर आए। इस दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भी कई बड़े नेता मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर एक पर लाने के लिए दुआ करें। यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट।